तो ये देखिए गाइस, मैं इस वक्त रात को ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, 12:57 का टाइम है होलिका के लिए जलने के लिए। तो होली से एक दिन पहले का सीन है, रात का सीन। सब इंजॉय कर रहे हैं और बड़ी मस्ती आ रही है। चेयर्स। और देखिए, बहुत ही मज़ेदार जगह है, भोलेनाथ की जगह, मेरे भोले की जगह है। ये देखिए क्या जगह है, मस्त जगह है। आगे दिखाएंगे बाबा जी और बताएंगे आपको क्या क्या सी। बॉडी अभी जलता है अभी। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियांक टीवी। आज टॉपिक कुछ अलग होने वाला है, फ्रॉम लाइफ टू डेथ। तो लाइफ टू डेथ की बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अभी तो मैं घाट पे हूँ बनारस में, और हम बात करने जा रहे हैं मैं कौन हूँ, हु एम आई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूँ किसी से, पूछता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मुझे कि मेरा नाम प्रियंक है, जो भी होगा वो है, राइट। और मैं पूछूँगा ये हाथ किसका है, आप बोलोगे ये मेरा हाथ है, राइट, सब ये बोलेंगे। मैं पूछूँगा कि ये जो आपने माला डाल रखी है वो किसकी है, तो आप बोलोगे मेरी है। तो अल्टीमेटली ये जो मेरा है, जो बोल रहा है कि अंदर से हुक्म जमा रहा है कि हाथ मेरा है, ये माला मेरी है, ये कौन है? तो ये है एक आत्मा जो आपके अंदर है, सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है ना। तो अल्टीमेटली बात हो रही है लाइफ टू डेथ की। तो ये हमने बात कर ली आत्मा जगह, परमात्मा के जगह, हम आत्मा से परमात्मा तक हम बात चलते चलते करेंगे। हम जहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं, और तो ये आनंद ले रहे हैं, अभी वॉक कर रहे हैं आपके सामने। छोटा होता है बच्चा, स्कूल में होता है, अभी वो अनअवेयर होता है कई चीज़ों से लाइफ में, ठीक है। मुझे भी याद है मेरी लाइफ का इंस्टेंस। मैं स्प्रिंगफील्ड स्कूल में था, और स्प्रिंगफील्ड स्कूल में मुझे कई सारे इंस्टेंस याद हैं, बहुत सारे, मतलब वो मैं फिर कभी आगे डिस्कस करूँगा। जब बच्चा होता है बंदा, तो अवेयरनेस फैक्टर उसको कम होता है। तो लाइट भी आ गई है, आओ लाइफ में लाइट, लाइट की बात करते हैं। लाइफ में लाइट कब आती है? लाइट देखो तब आती है जब आप कुछ सीखो और सीखने की कोशिश करो। कई चीज़ें आप देख के सीखते हो, कई चीज़ें आप महसूस करके सीखते हो, और कैलकुलेट करके भी सीखते हो। तो अब हम लाइट थोड़ी ख़राब हो जाएगी, हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अब मैं आगे की बात कंटिन्यू करता हूँ वहाँ चल के। और धीरे धीरे तुम होते हो जवान, और यंगस्टर लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो। उसमें बड़े सारे चक्रास आपके खुलते हैं। लव चक्रा खुलता है, माइंड चक्रा खुलता है, बोलने का चक्रा खुलता है, पता चलता है कैसे बोलना है, किसके साथ बैठना है, कैसे रहना है। तो हाँ, तो यंगस्टर वाला चक्रा फेज आता है बंदे का। तो मेरा भी आया था यंगस्टर वाला। तो उसमें हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और बहुत आनंद किया हमने भी वहाँ पे भी, एज़ ऑल इंजीनियर्स, सप्लियों के साथ भी, ठीक है। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर दी इंजीनियरिंग, और उसके बाद बात आती है फेज़ लाइफ। और ये देखिए मणिकर्णिका घाट, यहाँ पे चिताएं जलती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो अल्टीमेटली फिर बंदा होता है 30+ का, जो कि हम हैं 35 ईयर्स ऑफ एज, और जहाँ पे वो अपने बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट में होता है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी डायमेंशंस के साथ डिसीजन मेकिंग स्किल्स और बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ देख लीजिए, ओके। अभी आपको बताएंगे कि भी डेथ की कहानी क्या है, लाइफ टू डेथ, ठीक है। और उससे पहले क्या, मैं बात कर रहा था डेथ की, तो डेथ से पहले क्या करना चाहिए, हम महाराज जी से पूछते हैं कि भी ऐसी क्या चीज़ बंदा कर सकता है जिससे वो मोक्ष की तरफ वो प्राप्त करे, वो मोक्ष। डेथ से पहले हर इंसान को भगवान की आराधना करना चाहिए, उनकी नियमित रूप से रहना चाहिए, किसी को दुख किसी को सताना नहीं चाहिए, और स्वाभाविक ढंग से रहना चाहिए, वही मुक्ति को पार होता है। हर हर महा मतलब।
मुख्य समय पाते हैं, जैसे होली हुआ, शिवरात्रि हुआ, दिवाली हुआ, दिवाली हो गया, तो उस टाइम ये बैठते हैं पूरी नाइट? नहीं, दो घंटे नाम लल्लू बाबा। और ये मंदिर का नाम क्या है? महाशमशान नाथ। और ये कितने साल पुराना है? ये अनाथ काल से है। और यहाँ का महत्व क्या है यहाँ का? ये बाबा ही मुक्ति देते हैं ये तो सब भाग्य की बात है कि लोगों को यहाँ पे जितना डेड बॉडी आता है यहाँ बाबा ही मुक्ति देते हैं, इनके नाम से लोग लेके डेड बॉडी आते हैं। हर महादेव विश्वम भी सुना। तो ये मिड पॉइंट है लाइफ और डेथ के बीच में, वहाँ तीन घंटे रहते हैं या 21 टाइम। ओके ठीक है, तो मतलब कहने का ये मिड पॉइंट है लाइफ और डेथ के बीच में, ये बीच का पॉइंट है। लाइफ की यही है कि स्वयं शमशान नाथ हैं और शमशान नाथ 24 घंटा यहाँ विराजमान रहते हैं। जब उनकी इच्छा रहती है तभी यहाँ से कहीं जाते हैं और फिर वो आ भी जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो वरुणा से 80 के बीच में ये शमशान नाथ है और हरिश्चंद घाट है, दो जगह ऐसा मसान है कि यहाँ पे समझ लीजिए कि जो कहीं मोक्ष नहीं है वो यहाँ मोक्ष है। यहाँ से लेकर 80 तक उत्तर वाहिनी गंगा बहती है, पूरे विश्व में कहीं नहीं बहती है, जो काशी में बहती है। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा विश्व के लोग जो जानते हैं यहाँ की परंपरा को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के सनातन धर्म को, यहाँ के क्रिया को, प्रक्रिया को, वो चाहते हैं कि हम यहीं पे आके रहें और यहीं पे मर जाए, यहीं पे मेरी धुनी डेथ यहाँ पे जाके हमें मिले। अच्छा, एक हाँ, मोह यही बात करने वाला है। मोक्ष केवल काशी में है, इंडिया में, भारत में। आपका नाम क्या है? लालू वर्मा जी। अच्छा लालू वर्मा जी, एक बात और मेरे माइंड में आई है, अभी मौके पे मैं भूलना जाऊँ तो कहने का मतलब है कि जो मोक्ष आपने बोला, ये क्या मोक्ष अभी डेथ से पहले जो मोक्ष प्राप्त करने की ऐसी क्या 3 चीजें हैं कि बंदा मतलब हर बंदा फॉलो करे इसको, और वो ऐसे सच्चाइयां हैं कि भी वहां पे हम पहुंच जाएंगे मौके पे, है ना, कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप बताना चाहोगे मोक्ष पहले ही प्राप्त कर लिया जाए मरने से पहले, है ना, क्या नहीं, हो सकती है वो 3 चीजें? मरने से पहले मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, नहीं होता। अच्छा, जीते जी मोक्ष नहीं मिलेगा, वो आपके कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म प्रधान है, पिछले भी और कर्म प्रधान है। आप यहाँ आ गए तो आपका कर्म है, शमशान नाथ काशी में आप आ गए तो आपका कर्म है और कर्म प्रधान है, और जो आ गया तो उसको मोक्ष मिलना यहाँ पे तय है। और मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स लिए हैं पिछली वाली ये जगह के, ये अखाड़ा है, ये क्या है, ये थोड़ा समझाएं लोगों को। अखाड़ा था, अब नहीं है, अब नहीं है। मैंने उस दिन देखा यहाँ पे कुछ यज्ञ हो रहा था शायद, उसका मतलब क्या है? यज्ञ बहुत सी प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं जो लोग प्राप्त करते हैं और उनको प्राप्त होता भी है, वो उनके कर्म के ऊपर आधारित है। हाँ, तो भाई सफल मन से तपस्या करते हैं जो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा बात नहीं है। अब उनके ऊपर है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। 5 जीव बाबा उसकी जात होती है, 5 जीव बाबा हमारे भोलेनाथ स्वयं विराजमान है, वो अमर प्राणी है।
बाकी हर देवी देवता की जिंदगी मृत्यु है सबकी है, ब्रह्मा हो चाहे समझ लक्ष्मी है दुर्गा काली है कुछ उनकी भी मृत्यु है। ये वो चीज़ है जैसे भूत प्रेत चंडाल ये सबको पूछते हैं इसी का नाम भैरवनाथ। भैरवनाथ का भैरवनाथ तो भैरव न नहीं वो काशी के कोतवाल है, कोतवाल है काशी ये वाली वो काशी के भैरवनाथ बाबा नौ कोतवाल है और वो मतलब कोतवाल अगर देखना तो यहाँ से आपको जाना होगा कहाँ मालूम है ये आपको पड़ता है सब यही काशी में कहीं है थोड़ा सा दूर में नौ कोतवाल पूरा मेन कोतवाल वो है सबसे बड़े हैं वो लाड पे सबसे बड़े जो है वो लाड पे हैं लाड पे जैसे कि यहाँ के वाराणसी सिटी में स्थान है कजाकपुरा कजाकपुरा में लाड है वहाँ पे मजार भी है और बाबा का लाड भी है बाबा भी हैं उसी में और मजार भी है उसी में दोनों लोग साथ में तो सबसे बड़े वो हैं उनके बाद काशी के कोतवाल आते हैं। अच्छा जी। फिर क्षेत्रपाल भैरव कोतवाली में है थाने के अंदर वो तीसरे नंबर पे हैं बाकी लोग उनके अंदर आठों भैरव या नौ भैरव उपस्थित हैं काशी में जी। हर महादेव फायर बर्निंग 3,500 years 3,500 years यस बिकॉज फर्स्ट बर्निंग हियर अबाउट शिवा वाइज कॉलिंग सती सो गाइज यू कैन सी दैट हाउ स्ट्रॉन्ग वाइब्स वी आर इन राइट नाउ हर महादेव और बताओ बाबा इस बारे प्लेस के बारे में वेरी लकी टू डाई हियर वेरी लकी टू बर्न हियर सोल गो डायरेक्ट हेवन यस यू आर बर्निंग 24 hours ऑल डे नाइट यू आर नो संडे मंडे नो फेस्टिवल जस्ट बर्निंग बर्निंग बिकॉज बर्निंग लर्निंग क्रिमेशन एजुकेशन। आपका नाम क्या ब्रदर? रियल आप यहीं पैदा हुए थे? आई बोर्न हियर। आपकी एज कितनी है? 22? नो मे बी मोर। ओके और आई मीन बचपन से आप यहाँ पे रह रहे हो? यस यही प्लेस है। माय फादर टू लिव हियर थर्ड जनरेशन। यस हर महादेव। क्या मतलब क्या एनर्जी है यहाँ पे? जैसे आपने बताया ना कि भी एक लाइफ और डेथ के बीच की कहानी है यहाँ पे। yes. वो पॉइंट है जहाँ भोलेनाथ आ रहे हैं और वो लेके जा रहे हैं। तो ये जो ये कितनी ये जगह कितनी जैसे 3500 ओल्ड ईयर्स आपने बताया कि ये तो कितनी मतलब महत्व रखती है बात कि यहाँ पे बैठ के अगर मेडिटेशन की जाए तो क्या जाप किया जाए? यहाँ पे राम का मंत्रा चलता है। रामा का तो श्री राम राम सत्य है श्री राम राम सत्य है श्री राम राम सत्य है जो शिव जी है वो खुद बोलते हैं और लोग से बोलवाते हैं। उसका जो सोल्ड है वेरी पीस फैमिली डोंट गो टू सैड वेरी हैप्पी बिकॉज ही सी दे बर्निंग सोरो मनी सबके साथ यही होना है यही सभी सबका गतिगत होने वाला है। और तभी आपका नाम रियल है। आप जैसे बंदे से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और सारी जिंदगी में आपका आपके आपका इंटरव्यू तो कभी नहीं भूलूंगा। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। लेट्स सी दा 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 русский. No. Главное, одно из лучших мест на земле Варанаси. Вот. И... All right, cool. Makes sense. If you guys know what it means, what it means, let's get the answer right away. I speak with one of the most great place. Great place. Wow. Beautiful. Beautiful. Very beautiful. Nice. Beautiful. Full power. Our friend, very nice. Beautiful. Because he know about Kasi. Yes, he has blended. Yes, him in, because yeah. He know about Kasi. Beautiful. Then he feel like brother. Brother. Yes. It's all in thoughts. Definitely. Beautiful situation. Okay.